हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। खिचड़ी पापड़ फ्राई हम अक्सर फ्राई करते हैं, लेकिन हम जब तेल में फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं। हम कैसे चिप्स फ्राई और पापड़ को, कैसे हम खिचड़ी को बिना तेल के फ्राई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने साबूदाने के खिचड़ी, आलू के खिचड़ी और साथ ही साथ चिप्स फ्राई, ये सारे के सारे चीज़ें मैंने बिना तेल के फ्राई की हैं। जैसे हम तेल में फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, ये करारे होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। तो क्या तैयार हैं आप सब रेसिपी के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेनी है कढ़ाई। अब कढ़ाई आपने कौन सी लेनी है इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपने स्टील की कढ़ाई नहीं लेनी है। मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। आप क्या कीजिएगा, आप लोहे की कढ़ाई लीजिएगा या फिर एल्यूमिनियम की कढ़ाई लीजिएगा। कढ़ाई के अंदर हमने डालना है नमक। नमक आप कोई भी सस्ता वाला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में इजीली सस्ता वाला नमक मिल जाता है फ्रेंड्स। नमक को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म करना है और इस नमक का यूज़ आप बार बार कर सकते हैं। आप यदि केक बना रहे हैं, आप बेकिंग करते हैं, तब आप नमक का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हैं आलू के खिचड़ी, साबूदाने के खिचड़ी। यदि आप इनकी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस तरीके जो फ्राई होते हैं वो भी मैंने लिए हैं। पापड़ भी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। बेसिकली क्या होता है, जब हम पापड़ को डायरेक्ट गैस पे फ्राई करते हैं तो आधा तो वो जल ही जाता है, लेकिन यदि आप इस तरीके से पापड़ फ्राई करोगे ना तो पापड़ का टेस्ट तो दोगुना बढ़ ही जाएगा और बहुत अच्छा सिक के तैयार होगा। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम नमक को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। नमक गरम हो गया है, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे चिप्स फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चिप्स डाल दूँगी फ्रेंड्स, और इस तरह से हम चिप्स को नमक से कवर कर देंगे कुछ सेकंड्स के लिए। और कुछ सेकंड्स बाद हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पर हम चिप्स को फ्राई करेंगे। जैसे ही चिप्स जो है वो फ्राई हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये फ्राई हो गए हैं, तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। सारा नमक जो है वो हम निकाल देंगे और चिप्स जो है हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखा ना आपने फ्रेंड्स, कितना आसान है बिना तेल के आप सारे चिप्स, पापड़, खिचड़ी, फ्राई बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची हैं। तो ये देखिए, है ना बहुत क्रंची। और अब बारी आती है ये साबूदाने की खिचड़ी फ्राई करने की। लेकिन साबूदाने की खिचड़ी जब आप फ्राई करें तो एक बात का ध्यान रखें, ये चिप्स रह गया है तो मैं इसे निकाल देती हूँ। साबूदाने की खिचड़ी जब भी आप फ्राई करें तो थोड़ा दूर रहें, क्योंकि क्या होता है, इसलिए आपने क्या करना है, खिचड़ी के ऊपर इस तरह से नमक डाल के रखें और इस तरह से झारा जो है वो इसके ऊपर रख दें। तो क्या होगा, नमक जो है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं आएगा। जब भी हम साबूदाने का खिचड़ी फ्राई करते हैं तो नमक जो है वो ऊपर उछलता है, ठीक है। जैसे कि हम जब तेल में फ्राई करते हैं तो तेल थोड़ा सा ऊपर उछलता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप साबूदाने के खिचड़ी फ्राई करें थोड़ा सा सावधानी रखेंगे और थोड़ा सा दूर रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने दूसरा साबूदाना का खिचड़ी भी फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो देखा ना आपने फ्रेंड्स, कैसे आपने फ्राई करना है। फ्राई होके तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्राई हुआ है। साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी यदि आपको चाहिए फ्रेंड्स तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए, है ना बहुत ही क्रिस्पी और करारा। इस तरह से आप साबूदाने की खिचड़ी एक बार फ्राई कीजिएगा, रियली आपको बहुत पसंद आने वाला है। और अब बारी आती है आलू का खिचड़ी फ्राई करने की। अब आलू का खिचड़ी फ्राई करने के लिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि आलू का जो खिचड़ी है वो जल्दी सिक जाता है और साबूदाना का खिचड़ी सिकने में थोड़ा टाइम लेता है। तो क्या करें, फ्लेम को मीडियम रखें और नमक को इस तरह से इसके ऊपर से कवर कर दें ताकि हमारा जो खिचड़ी है वो दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाए। तो कुछ इस तरह से देखिए, मैंने नमक को इसके अंदर कवर करके रखा है। अब मैं इसे पलटती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, खिचड़ी हमारा अच्छी तरह से सिक गया है ना। और जिस साइड से यदि नहीं सिका है तो वहाँ आप थोड़ा सा नमक डालिए और इसे अच्छी तरह से सेकिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारा आलू का खिचड़ी बहुत ही अच्छे से सिक के तैयार हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, कितना अच्छा आलू का खिचड़ी हमारा
फ्राई होके तैयार हुआ है बिना तेल के, है ना। तो कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और यदि आलू के पापड़ की रेसिपी आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारे आलू के पापड़ भी फ्राई होके तैयार हैं। मैं बेसिकली आलू के खींचले बोलती हूँ, आप जो भी बोलते हैं, लेकिन ये रेसिपी है बहुत शानदार। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे अगेन, और हाई फ्लेम पर हम ये फ्राइम डालेंगे। फ्राइम जो है वो आपने हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जब भी आप फ्राइम फ्राई करें तो आप फ्लेम को हाई रखें और इस तरह से चलाते रहें, और जैसे ही फ्राइम जो है वो फ्राई हो जाएंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान। कब ट्राई कर रही हो ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही शानदार शानदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ उन सारे प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम फ्राई करेंगे हम सबकी फेवरेट फुल्कियाँ। अब फुल्की को भी आप बिना तेल के फ्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, फुल्की को डालना है नमक के अंदर, फ्लेम को हाई रखेंगे। ये जो फुल्की है वो ऑलरेडी टूटी है तो ये फूलेगी नहीं, तो मैं इसे अलग निकाल देती हूँ। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और गर्मा गर्म जो नमक है वो हम इसके ऊपर से डालते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारी फुल्कियाँ सभी तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएंगी, अच्छी तरह से हमने फुल्की को सेक लेना है। तो जैसे ये देखिए, मैं नमक डालती जा रही हूँ और फुल्की जो है वो फूलती जा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से आपने फुल्की को फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से आप बिना तेल की फुल्की भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। बिना तेल की फुल्की और फुल्की का पानी कैसे बनाना है ये रेसिपी मैंने शेयर कर दी है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और अब बारी आती है ये जो लंबे वाले फ्राइम होते हैं ना, इन्हें फ्राई करने की। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई रखना है, हाई फ्लेम रखेंगे, चलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि फ्राई नहीं हो रहा है तो गर्मा गर्म नमक डालेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे सारे फ्राइम्स को। तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बना सकते हो, कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सारे जो लंबे वाले फ्राइम हैं और डिज़ाइन वाले फ्राइम हैं ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। और अब बारी आती है पापड़ फ्राई करने की। अब पापड़ फ्राई करने के लिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने फ्लेम जो है वो लो रखनी है। नमक गर्म होना चाहिए लेकिन फ्लेम लो रखेंगे, क्योंकि पापड़ जो है वो बहुत जल्दी सिक जाता है। तो जैसा कि जब हम गैस पे भी फ्राई करते हैं तब भी पापड़ जो है वो बहुत जल्दी सिक जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि आप पापड़ की रेसिपी चाहते हैं तो मैं पापड़ की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। पापड़ जो है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, हमने पापड़ खींचले, साबूदाने के खींचले, आलू के खींचले, सारे के सारे फ्राइम्स जो होते हैं वो हमने फ्राई किए। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें बिना तेल के फ्राई करके तैयार कर सकते हैं, पापड़, साबूदाने के खींचले, आलू के पापड़, फुल्कियाँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और आप साबूदाना का खींचला एक बार इस तरह से फ्राई कीजिएगा, आपको रियली बहुत पसंद आएगा। मिलती हूँ मैं ऐसी ही शानदार शानदार रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। I'm Shivani. Thanks for watching.